नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है, वहीं दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान पूरे जोर शोर से चल रहा है। हालांकि इस दौरान समाजवादी पार्टी गठबंधन में कई मौकों पर फूट की खबरें सामने आई, खास तौर पर पश्चिमी यूपी में सपा और आरएलडी के बीच नाराजगी खुलकर सामने आ चुकी है, जबकि कई जगहों पर सपा में विवाद की खबरें आई। क्या है पूरा मामला, देखिए आज की इस रिपोर्ट में। सपा के खेमे में फूट की खबर चलने पर राष्ट्रीय नेतृत्व ने संज्ञान लिया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा और पूर्व एमएलसी राकेश यादव डैमेज कंट्रोल करने मेरठ पहुंचे। इस दौरान पार्टी में कई विधायकों और सांसदों के नाराज होने की खबरें सामने आई थी, लेकिन अब किरणमय नंदा और राकेश यादव नाराज विधायकों से बात करेंगे। मेरठ में सपा विधायक अतुल प्रधान की पत्नी और मेयर प्रत्याशी सीमा प्रधान के प्रचार से तीन विधायकों समेत पांच बड़े नेताओं ने दूरी बना रखी है। आपको बता दें कि सपा विधायक रफीक अंसारी, विधायक शाहिद मंजूर, आरएलडी विधायक गुलाम मोहम्मद, मेयर सुनीता वर्मा और पूर्व विधायक योगेश वर्मा ने दूरी बना रखी है। ये सभी नेता अतुल प्रधान की पत्नी के लिए वोट मांगते नजर नहीं आ रहे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, सब मिलकर सीमा प्रधान को जिताएंगे। हालांकि इससे पहले संभल और बलिया में भी सपा में नाराजगी खुलकर सामने आई थी। वहीं सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग पहले ही नाराज चल रहे हैं। उन्होंने सपा प्रत्याशी के खिलाफ अपना निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया है। सपा सांसद बर्ग और विधायक इकबाल महमूद के बीच खटपट पहले से चल रही है। इसके अलावा सपा विधायक जियाउर रहमान बर्ग भी पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं बलिया के सिकंदरपुर विधायक जियाउद्दीन रिजवी ने भी निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दे दिया है। इसके अलावा पूर्व मंत्री नारद राय भी सपा प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में फूट ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है। पार्टी के कई कद्दावर नेता पार्टी से नाराज चल रहे हैं, इतने नाराज कि खुद अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार नहीं कर रहे, ना ही उन्हें वोट दे रहे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर खुद सपा के नेता अपनी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के काबिल नहीं समझ रहे, तो दूसरे लोग सपा पर आखिर क्यों ही भरोसा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।